इधर उत्तर प्रदेश के लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति थी कि भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी आपने अपनी चर्चा में भी कहा, जो आपने अपना वक्तव्य रखा कि हमने लोगों को कुछ को मिला लिया है, कुछ रह गए, तो क्या मामला वो देखिए जैसे राजनीति रिपब्लिकन पार्टी, वो भी बाबा साहब ने, उनके कंसेप्ट था पहले शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बाद में रिपब्लिकन। रिपब्लिकन पार्टी का आप तो हालचाल देख ही रहे हैं। दूसरा हमारे समता सैनिक दल 1927 से बनी थी, बाबा साहब ने फाउंडर हैं, तो उनके भी कितने गुट है वो भी आप जानते हैं। वैसे ही यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी के यानी सभी गुटों में कहीं पर भी जाओ, आप किस गुट के, ये जो बात मैं सुनता था तो बड़ा दुख होता था। हम भी सुनते हैं, भी दुख होता। हाँ, दुख होता था ना, तो इसलिए हमने सर्वप्रथम मीराताई जी को यानी भीमराव अंबेडकर जी को साथ में लाया। 2001 में पहली जो सभा हमारी 17 अक्टूबर 2021 को मेरठ के भूमि पे, और पहली बार हम दोनों एक मंच पे आए। उसके पूर्व वो मेरे घर पर आए, उन्होंने बोला कि आपके अध्यक्षता में हम काम करने के लिए तैयार है। देखिए हमने 34 साल, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया तब तक यानी उन्होंने माना ही नहीं, वो तो मान ही नहीं रहे थे ना। उनका क्या था, सक्सेशन, उत्तराधिकारी, तो बाबा साहब ने कोई परिवार के लिए तो संस्था नहीं बनाई, समझ रहे ना बाबा। और हाईकोर्ट का क्या है मालूम है, वो रिमार्क, बाबा साहब को सिर्फ परिवार के इसमें सीमित करना ये गलत है। बाबा साहब का परिवार ये करोड़ों है, उनकी जनता, वो हाईकोर्ट के जज ने लिखा है अपने, जुड़ेंगे देखा आगे सभी हो गए। दूसरा ये जो था बरवे जी और जौनजाड़े जी अलग अलग हुए थे, वे भी हम इकट्ठा हो गए। हम तो प्रयास कर रहे हैं। अब कोई लोग बोलते हैं कि राजरत्न को क्यों नहीं लेते, हमने प्रयास किया था उनको ट्रस्टी बना के, उनके पिताजी जब हयात थे ना, हमने प्रयास किया था कि भाई उनको भी ट्रस्टी बनाकर ये करेंगे। अब लेकिन वो नहीं माने, वो बोले कि 7 में से 4 ट्रस्टी हमको चाहिए। अरे तुम्हारा कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी में योगदान नहीं, तुम तो बामसे यानी भारतीय सिर्फ, आप ये बताइए जापान जा रहे भारतीय बौद्ध महासभा के नाम पे? नहीं 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 नहीं, वो कहाँ पे जाते हैं, जो प्रचार मतलब वो कर रहे हैं, तो आप जैसे 10 लोग मिलते हैं, 10 लोग एक मीटिंग लेते हैं और चैरिटी कमीशन में वो देते हैं कि भाई ये हमने ट्रस्टी नियुक्त किए हैं, और वहाँ पे आपको रिसीप्ट मिलती है। आप कोई भी ऑफिस में जाते तो आप अप्लीकेशन देते तो रिसीप्ट मिलती है ना, वैसी रिसीप्ट उनको चैरिटी कमीशन में मिले, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, यानी सिर्फ कागज़ पे। उनके पास अगर बोलिए कि अगर आप अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है या ट्रस्टी चेयरमैन है, तो उनका कोई प्रूफ तो होना चाहिए, क्योंकि ये बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत चैरिटी कमिश्नर के अंतर्गत आती है, और उनके नियम यानी जो अनुमति के सिवा कोई ये नहीं कर सकता है। तो ये जो है, अब वो स्वयं कुछ भी बोले, बाबा साहब का पंतु करके अम्बेडकर नाम है। पहले तो वो भारत मुक्ति मोर्चा में 2014 में भी इलेक्शन लड़ा वामन मिश्रम जी के साथ था, और एकदम आके बुद्धिस्ट सोसाइटी में वो कहेगा कि मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हाँ ट्रस्टी चेयरमैन हो, तो कैसे मानेंगे भाई। 6 में से उनके घर के 3 लोग हैं। अरे रुकिए ना, इधर काम क्या करते हैं। हाँ, उनके घर के क्या ट्रस्टी के उसमें जो चेन रिपोर्ट दिया ना, उसमें 3 है, एक राजरत्न, उनका भाई वो कौन सा संदेश अंबेडकर, और उसकी माता, अशोक अंबेडकर जी का निधन हुआ ना, तो उसकी माता मतलब अश्विनी, एक ही घर के मतलब 3 लोग, तो ये क्या ऑल इंडिया की संस्था हो सकती है, और 3 यानी मुंबई के, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये कोई परिवार की तो संस्था है नहीं ना। परिवार के बोल के तो ये 34 साल कोर्ट कचहरी में रहे, जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई परिवार की ये संस्था नहीं है, जनता की है, तो ये परिवार लेके क्यों बैठ रहे हैं।